क्रूज में सवार लोगों के परिजन परेशान हैं। वहीं कुछ पैसेंजर ऐसे भी हैं जिन्हें किराए का भुगतान करने के बावजूद क्रूज में सवार होने की इजाज़त नहीं मिली। ऐसे लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कार्डेलिया में सवार होने से वंचित रह गए एक व्यक्ति ने बताया कि उसने पहले ही 82,000 रुपये का भुगतान कर दिया था। बुकिंग अमाउंट का भुगतान पहले से ही कर चुके होने के बावजूद उसे कार्डेलिया पर बोर्डिंग की अनुमति नहीं दी गई। उस व्यक्ति के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे क्रूज ओवर बोर्ड हो चुका है। कार्डेलिया में सवार होने से वंचित रह गए शख्स ने आरोप लगाया कि उसे पूरा भुगतान करने के बावजूद चढ़ने नहीं दिया गया था। हालांकि इस दौरान कार्रवाई के डर से कई लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। 100 टिकट बिके थे। आपको बता दें, क्रूज पार्टी का आयोजन 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक होना था। सभी यात्रियों से 2 अक्टूबर को 2 बजे तक बोर्डिंग के लिए कहा गया था। मुंबई से निकले क्रूज को 4 अक्टूबर को दिन में 10 बजे वापस मुंबई आना था। इस संगीतमय समुद्री यात्रा के लिए 100 टिकट बिके थे। अन्य लोग पार्टनर्स और आयोजकों के जरिए सवार थे। एनसीबी की टीम ने क्रूज से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है।